आपको कुछ नए डिजाइन दिखाऊं? समीर जी सर, स्टोर में कुछ नए डिजाइन आए, जरा ले आओगे? जी अभी लाए। इसे तो आपके खूबसूरत पांव में होना चाहिए। एक मिनट, परफेक्ट, टेंशन नॉट। सर ये तो समीर की आवाज है। हाँ हाँ चलो देखते हैं। समीर, 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 समीर सर वो देखिए। हाँ समीर, 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 अरे क्या हुआ समीर? समीर ये क्या हुआ? क्या आप मुझे शहर तक लिफ्ट दे सकते हैं? बड़ी मेहरबानी होगी। जी हाँ, व्हाई नॉट, आइए। देखिए अब जितनी जल्दी हो सकता है मुझे शहर पहुंचा दीजिए। जी मैं कोशिश करता हूँ। एक्सक्यूज मी, आप प्लीज जल्दी ड्राइव कीजिए। मैं चला तो रहा हूं। देखिए आप प्लीज जल्दी ड्राइव कीजिए। देखिए इससे ज्यादा स्पीड में मैं नहीं चला सकता हूं। देखिए यहां बिल्कुल ट्रैफिक नहीं और आप आराम से 100 की स्पीड पर जा सकते हैं। इस तरह तो परसों पहुंचेंगे। देखिए एक बात मैं आपसे बोलूं, बहुत अजीब किस्म की लड़की हैं आप। देखो मैंने आपको आपको अपनी गाड़ी में लिफ्ट दे दी, ऊपर से जल्दी चलाओ कर करके आपने मेरा दिमाग खराब कर दिया। देखिए प्लीज समझने की कोशिश कीजिए, मेरा सुबह होने से पहले शहर पहुंचना बहुत जरूरी है। आपने गाड़ी क्यों रोक दी? देखिए मैडम मैंने गाड़ी नहीं रोकी, गाड़ी खुद ब खुद खराब हो गई है, रुक गई है। क्या? तो आप जाके देखिए ना, आप कुछ कीजिए। सही कहा है, मुसीबत आती है तो छप्पर फाड़ कर आती है। पता नहीं इस बार को मैंने बैठा दिया खराब कर दिया। जल्दी चलो, जल्दी चलो। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने उसे सिर्फ लिफ्ट दी थी। लिफ्ट दी थी तो भाग क्यों रहे हो? और किसे तुमने लिफ्ट दी थी? उसे, उसे। इंस्पेक्टर साहब ये लड़की, ये क्या मजाक है ये? मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, ये इस लड़की को मैंने सिर्फ लिफ्ट दी थी। मैंने इस लड़की को सिर्फ लिफ्ट दी थी, ये लड़की है। देखिए मैं आपसे सच कर रहा हूँ और आप समझ रहे हैं कि मैं पागल हूँ।
देखिए जस्ट रिलैक्स, मे बी आपका भ्रम है। अरे मेरा भ्रम नहीं है, आप समझने की कोशिश नहीं कर। कभी अगर आपको मिल गई तो आपको पता चल जाए कौन। ओके जस्ट रिलैक्स, आई नो आप पागल नहीं है। ओके जस्ट रिलैक्स, सुनिए जस्ट लिसन टू मी प्लीज। अविनाश, ये आदमी पागल नहीं है। तो फिर ये झूठ बोल रहा है। मुझे नहीं लगता कि ये झूठ बोल रहा है। आप लोग समझ रहे हैं मैं पागल हूँ? मैं एक साइकेट्रिस्ट हूँ और मैं जानती हूँ किस हालात में लोग झूठ बोलते हैं। तुम्हारे कहने का मतलब है कि जिस लड़की को इस आदमी ने लिफ्ट दी वो पल भर में मैनिक्विन बन गई? आज का पेपर पढ़ा तुमने? या आई नो, पूना वाले केस की बात कर रही हो ना? राइट, जहाँ पर एक सेल्समैन मूर्ति बन गया और किसी को कुछ समझ में नहीं आया ये सब कैसे हो गया। और उस शोरूम में मैनिक्विंस ही मैनिक्विंस थे। और इस आदमी का भी यही कहना है कि इसने एक आम लड़की को मैनिक्विन में कन्वर्ट होते देखा है। और मुझे ऐसा लगता है कि दोनों केसेस में जरूर कोई सिमिलैरिटी है। शिखा, पूना वाले केस में उस लड़के की मूर्ति बिखर गई थी। राइट, लेकिन इस मैनिक्विन के साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ है। क्या, मैनिक्विन को कुछ नहीं हुआ? इसीलिए मुझे लगा कि या तो ये आदमी पागल है या फिर हमसे झूठ बोल रहा है। वो मैनिक्विन कहाँ पर है? पुलिस स्टेशन में जमा है। भाग कोशिश करता हूँ, रात होने से पहले काम खत्म कर दूँ, पर होता ही नहीं। पता नहीं कब शाम हो जाती है और कब यहाँ पर रात हो जाती है। कंटाल गए। सच बोल रहा हूँ यार, ना तो मेरे पास लाइसेंस था और ना मेरे पास बाइक के पेपर्स, और ऊपर से बाइक भी टो। अब अगर ऐसे मैं बाइक में वहाँ छोड़ देता ना तो मैं बहुत बुरे तरीके से फंस जाता यार। तो फिर तूने किया क्या? अरे मेरे पास कोई और चारा ही नहीं था, मैंने चुपके से अपनी बाइक वहाँ से उठाई और भाग निकला वहाँ से। तू तो शेर है बॉस, दाद देनी पड़ेगी तेरी हिम्मत की। हाँ वो सब तो ठीक है यार, लेकिन मुझे डर लग रहा है। अरे वो देख, कौन है? पुलिस है क्या? अरे इडियट, हमारा ऑर्डर रेडी हो गया, जाके लेके ना। मेरे क्या चार हाथ है, इतना ऑर्डर मैं अकेले लेके आऊंगा, तू भी चल। चल। अरे तुम कहाँ जा रही हो? वॉशरूम। ओके।
मैनिक्विन? ये अचानक यहाँ कैसे आ गई? कौन है यहाँ पर? तुम चिल्लाई क्यों? प्लीज रोहित यहाँ से चलो। लेकिन मेरी बात सुनो रोहित। अच्छा बोलो। तुम अपने चलो रोहित। प्लीज चलो रोहित। अच्छा बोलो। ए रोहित, स्वाति, अरे इन्हें क्या हुआ? भाई भी नहीं बोल के गए। अजीब बात है यार। ये नहीं हो सकता। स्वाति, स्वाति तुम्हें क्या हुआ है? स्वाति, स्वाति तुम्हें क्या हो गया? स्वाति, स्वाति प्रेम, तो फिर रोहित के साथ कौन था? वो स्वाति नहीं हो सकती प्रेम। क्या मतलब है तुम्हारा? स्वाति हमारे सामने बिखर के धूल हो गई प्रेम। वो स्वाति नहीं, वो कोई बुरी आत्मा है। रोहित की जान खतरे में, रोहित की जान खतरे में है प्रेम। साहब क्या हुआ तुम? मेरी गलती रही। मैंने अपने हाथों से ताला लगाया था उस दरवाजे पे। वो ताला लगाए हुए दरवाजे से चली गई। वो कहीं से भी जा सकती है। वो कुछ भी कर सकती। मेरी गलती रही है। सावन, वो मैनिक्विन यहाँ रखी हुई थी, कहाँ गई वो? मेरी सावन, वो मूर्ति, अरे वो पुतला जो स्टोर रूम में रखा था, वो कहाँ गया? मैं उसी पुतले की बात कर रहा हूँ। वो पुतला नहीं, एक लड़की थी। नहीं, वो लड़की नहीं, एक आत्मा थी। आत्मा नहीं, आत्मा, वो चली गई। अच्छा ठीक है, प्लीज चुप करके बैठा तुम। अब हम उस मैनिक्विन को कहाँ ढूंढेंगे? मेरे वन सेकेंड। हेलो, क्या कहाँ? अच्छा ठीक है, मैं आता हूँ। तुम भी ना बिल्कुल बुद्धू हो। बुद्धू क्या मतलब? मैं तुम्हारे साथ अकेले में थोड़ा वक्त बिताना चाहती थी, और इसके अलावा मुझे कोई तरीका नजर नहीं आया। बस समझे बुद्धू? क्या? मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम्हारे दिमाग में ऐसी टेढ़ी मेढ़ी बात आ सकती है। अब तक तुम मुझे जानते ही कहाँ हो। रोहित, प्रेम, सॉरी यार, हम लोग बस ऐसे वहां से आ गए। रोहित तू मेरी बात सुन, जो लड़की तेरे साथ है ना, वो स्वाति नहीं है। क्या? मेरी बात का विश्वास कर, मैं सच बोल रहा हूँ। हाँ यार, सच बोलूँ तो ये मुझे भी स्वाति नहीं लग रही। रोहित मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। तेरे जाने के बाद हम लेडीज रूम में गए थे, वो स्वाति वहां थी। क्या मतलब है तेरा? स्वाति एक मूर्ति बन चुकी थी यार, और जैसे ही हमने उसे छुआ वो धूल बनकर बिखर गई। क्या बकवास कर रहा है तू? अरे मैं वहां अकेला नहीं था यार, हम सबने देखा है ये। रोहित प्रेम की बात का विश्वास कर, जो तेरे साथ है वो स्वाति नहीं है, वो कोई बुरी आत्मा है। तू प्लीज वहां से भाग जा। रोहित,
रोहित क्या हो रहा है? ये वही बुरी आत्मा जिसने स्वाति को भी मूर्ति बना दिया था और अब देखो अगली बार हम दोनों भी ए, प्लीज तू डरा नहीं हाँ मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ वो हमें छोड़ेगी नहीं वो हमें भी मार डालेगी कौन है वो जो तुम लोगों को मार देगी अविनाश सीबीआई तुम लोग कौन हो हम रोहित के दोस्त हैं सर Oh my God. सर हमारी एक दोस्त है स्वाति थोड़ी देर पहले उसके भी यही हाल हुआ था कहाँ है कॉफी हाउस में सर उसे हाथ मत लगाइए आपने उसे क्यों छुआ आपने उसको हमारी दोस्त स्वाति का भी यही हाल हुआ था वो भी ऐसे ही बिखर गई थी ओह माय गॉड अविनाश कहीं ये उंगली उस मूर्ति की तो नहीं मूर्ति के अंदर इंसान की हड्डी ये कैसे हो सकता है इसका मतलब ये मूर्ति किसी इंसान के कंकाल की बनाई गई है पहले स्वाति फिर रोहित और बिल्कुल उसी तरह पुणे में समीर नाम के लड़के की मौत हुई थी वो भी एक शोरूम में लेकिन उसने उत्पल और वो कांस्टेबल को क्यों नहीं मारा यू आर राइट शिखा सिर्फ इन तीनों को ही क्यों मारा जरूर कोई ऐसी बात है जो तुम दोनों मुझसे छुपा रहे हो इस मूर्ति के अंदर किसी की लाश है किसकी है नहीं सर हम कुछ नहीं जानते सर पागल मत बनो तुम्हारी जान भी खतरे में है अकलमंदी इसी में है कि तुम लोग जो कुछ भी जानते हो साफ साफ मुझे बता दो सब हम सचमुच कुछ नहीं जानते सबसे पहले समीर का कत्ल पूना के एक शोरूम में हुआ था हमें उस शोरूम में जाना होगा और ये पता लगाना होगा कि उस शोरूम में ये मूर्ति कहां से आई उसके बाद हमें ये पता चलेगा कि उस मूर्ति में शरीर किसका है और ये उंगली किसकी है
तुमने ऐसे क्यों किया प्रेम? मैंने तुमसे बहुत प्यार किया था और तुमने तुमने उस प्यार के बदले मुझे क्या दिया? मौत? क्यों प्रेम? क्यों? पूजा प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो पूजा। बहुत देर हो चुकी है प्रेम, मुझसे गलती हो गई पूजा, मुझे माफ कर दो प्लीज। तुम्हें मरना होगा। नहीं पूजा प्लीज, प्लीज मुझे माफ कर दो पूजा। तुम्हें मरना होगा प्रेम। नहीं पूजा, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है पूजा, ये लतिका थी, मेरा कोई दोष नहीं है पूजा। मैं तुम्हें इस तरह गिड़गिड़ाते हुए नहीं देख सकती प्रेम, तुम्हें ऐसे देखकर मुझे बहुत दुख होता है। नहीं नहीं पूजा, बहुत दुख। पूजा प्लीज, तुम्हें मरना होगा पूजा, मुझे मत मारो प्लीज, मुझे माफ कर दो पूजा। तुम्हें मरना होगा पूजा प्लीज, प्लीज मुझे मत मारो, बचाओ बचाओ पूजा प्लीज। आइए, हमारे बहुत सारे वर्कशॉप में से एक वर्कशॉप है जहां पर हम मैनिक्विंस बनाते हैं, और यह है गिरजा प्रसाद, हमारा सबसे पुराना कारीगर। आपके हर सवाल का जवाब इसी के पास है। मिस्टर गिरजा, इस वर्कशॉप में मैनिक्विन के सभी ब्लॉक तुम बनाते हो राइट? हाँ, 8 सालों से। फैंसी शॉपिंग मॉल में तुम्हारी बनाई हुई मूर्ति ने हंगामा कर दिया है, वो लोगों का कत्ल कर रही है। क्या राज है इसका, क्या जानते हो तुम इस बारे में? देखा, 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 देखा। मैंने पहले ही कहा था, पहले ही मेरी बात का तुम लोगों ने विश्वास नहीं किया, मुझे पागल समझते। इसमें हंसने वाली कोई बात नहीं है गिरजा, तुम्हारी बनाई हुई उस मैनिक्विन ने 2 लोगों की जान ली है, और बहुत ही अजीबो गरीब तरीके से। और मैं आज यहां तुमसे उस मैनिक्विन का राज जानने आया हूं। वो मैं नहीं जानता। तो फिर उस मैनिक्विन के अंदर इंसान की हड्डी कहां से आई? ये इंसानी हड्डी उस मैनिक्विन की उंगली से निकली है। आपको कहां मिली है? डर गए, सच्चाई छुप नहीं सकती। मैं बताता हूं क्या हुआ गिरजा, तुमने उस इंसान को मारा और मारने के बाद उसकी लाश पे तुमने ये मैनिक्विन बना दी राइट? मैंने किसी को मारा नहीं है साहब, मैंने कुछ नहीं किया है साहब। तो फिर उस मैनिक्विन में वो हड्डी कहां से आई बताओ? बताता हूँ मैं, मुझे कंकाल मिला था। कैसा कंकाल? उस रात मैं वर्कशॉप बंद करके साइकिल से घर जा रहा था, कब से वहां पड़ा था, मैं ठहरा कलाकार। आखिर में जब मेरा काम खत्म हुआ, मैं अपनी ही कलाकारी को देखकर खुश हो गया। ये रही आपकी पायल, बेजान मूर्ति में जान आ जाए। वो चांदी की पायल मैंने उसके पांव में पहना दी।
ये तो मैंने सपने में भी नहीं सोचा था साहब कि ऐसा हो सकता है। उसके बाद वो गई कहाँ? मुझे नहीं पता साहब, मैं तो डर के मारे कई दिनों तक वर्कशॉप ही नहीं गया। मुझे नहीं पता साहब कि ये किसका कंकाल था साहब, मुझसे गलती हो गई साहब। हेलो, व्हाट? ओह माय गॉड। हाँ ठीक है, मुझे पूरी पूरी खबर देते रहना। राइट। क्या हुआ? उसने प्रेम को भी मार दिया। ओह नो। लतिका, अविनाश बोल रहा हूँ। लतिका, एक बहुत ही बुरी खबर है। क्या? I'm sorry to say, लेकिन प्रेम मर चुका है। नहीं, ये नहीं हो सकता। लतिका प्लीज कंट्रोल योर सेल्फ, संभालो अपने आप को और ध्यान से मेरी बात सुनो। लतिका तुम्हारी जान भी खतरे में हो सकती है। हो ना हो, ये उसी मैनिक्विन का काम है जिसने स्वाति और रोहित दोनों को। लतिका प्लीज डोंट वरी, वो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अब ध्यान से मेरी बात सुनो, तुम अपने घर से एक कदम बाहर नहीं निकालोगी। आई एम कमिंग बैक। रुक जाओ, मैनिक्विन कहाँ है? मैंने उसे जला दिया। What? तुमने उसे जला दिया? Didn't I tell you? तुमसे कहा था मैंने कि चुपचाप बैठी रहना। God! जला दिया। Now please tell me, कहाँ जलाया तुमने उसे? बंगले के बैकयार्ड में। Come on, show me. चलो। यहीं पर। तुमने उसे यहां जलाया, पर यहां तो कुछ नहीं लगे। ये कैसे हो सकता है? मैंने अपने हाथों से यहां पे जलाया था। मुझे लगता है वो फिर से गायब हो गई है। तो फिर वो जा कहां सकते हैं? Look at that. लगता है ये उसी मैनिक्विन के पैरों के निशान है और ये निशान सीधा घर की तरफ जा रहा है। लगता है ये घर के अंदर है, हमें अंदर चलना चाहिए।
लतिका तुम यहीं रुको। शिखा हाँ? तुम अंदर देखो, मैं ऊपर देखता हूँ। डोंट मूव लतिका। मुझे तुम पे गोली चलानी पड़ेगी। मेरी तुमसे दुश्मनी नहीं है। मैं जानता हूं, मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूं कि क्यों क्यों तुम एक एक करके इन सभी को मार रही हो। व्हाई? वक्त से पहले मुझे मारने वाले को मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगी। मैंने इसे नहीं मारा सर, वो तो राहुल, प्रेम और स्वाति ने मिलकर इसको मारा, मैंने इसको नहीं मारा। लेकिन ये खेल तुम्हारा ही था ना, तुमने इसे शुरू किया था ना। प्रेम, तुम्हें नहीं लगता हमें अब शादी कर लेनी चाहिए? शादी? मजाक कर रही हो क्या? प्रेम, मैं मजाक नहीं कर रही। पूजा, पूजा देखो, मैं इन दुनिया की बनाई हुई रस्मों को ना नहीं मानता। मैं सिर्फ एक चीज मानता हूँ और वो है आजादी। अब ये शादी वादी ना, ये सब एक बंधन है यार। लेकिन प्रेम, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। पूजा, हम कुछ दिन साथ में रह लिए, इसका मतलब मैं तुमसे शादी कर लूँ? लेकिन प्रेम, मैं तुम्हारे बिना मर जाऊंगी। क्या बात है, क्या बात है, मैं तुम्हारे बिना मर जाऊंगी, ये तो हमारी अग्नि परीक्षा में अव्वल नंबर लाएगी। लतिका प्लीज मजाक मत करो, मैं प्रेम से बहुत प्यार करती हूँ, एटलीस्ट तुम तो समझो। तो मैं वही तो कह रही हूँ, अगर तुम प्रेम से इतना प्यार करती हो तो तुम्हें अग्नि परीक्षा तो देनी होगी ना। राइट। प्रेम प्लीज लतिका को समझाओ, उसे कहो मुझसे मजाक ना करे। क्यों, तुम मेरे लिए अग्नि परीक्षा नहीं दे सकती क्या? पर मुझे तो एक पल को लगा था कि तुम मेरे लिए कुछ भी कर सकती हो। हाँ, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ। ओके, तो तय रहा कि आज पूजा प्रेम के लिए अग्नि परीक्षा देगी। क्यों पूजा? लेकिन मुझे क्या करना होगा? ज्यादा कुछ नहीं, बस मेरे ऊपर वाले कमरे में सिर्फ 2 घंटे अकेले बिताने। सोच लो पूजा, वहाँ पे बुरी बुरी आत्माएं होंगी। आज तक उस कमरे में जो भी गया वापस नहीं आया। बस 2 घंटे और फिर प्रेम तुम्हारा। क्यों प्रेम? Thank you.
ए पूजा, पूजा, पूजा देख, ओए देख, ये, पूजा, 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 ओह माय गॉड, पूजा मर चुकी है। क्या? क्या? तुम लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? लतिका ये तुम्हारा यार जरा, देखा क्या हुआ? तो क्या तुम लोगों का दिमाग नहीं था? हमारे हाथ से खून हो गया। देखो, समझदारी इसी में कि हम अब इस बात को दबा दें। ज्यादा चालाक बनने की कोशिश की ना, तो हम सब फंस जाएंगे। हाँ ठीक है, यही जगह ठीक है, मैं गाड़ी यहीं लगाता हूँ। हाँ, तुम सब लोग देखो कोई आसपास है तो नहीं। हाँ ठीक है। हाँ, चलो। रोहित जल्दी खोल। हाँ आगे बढ़ाया तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। देखो मैं जानता हूं तुम पे क्या बीती है। इन्होंने जो कुछ किया उसकी सजा इन्हें कानून देगा। मैं गोली मार दूंगा, प्लीज आगे मत बढ़ना, आगे मत बढ़ो। रुक जाओ पूजा, आगे मत बढ़ो। मुझे माफ कर दो, लेकिन मेरा बदला पूरा हो गया। के और भी डरावने और सस्पेंस से भरे वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।